पे काम करता है, मिरर जो प्रिंसिपल पे काम करता है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है और उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, यदि वो परपेंडिकुलर आ रही है तो परपेंडिकुलर ही रिफ्लेक्ट होगी और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए पढ़ेंगे, जिसमें हम कन्वर्जिंग नेचर के बारे में पढ़ेंगे और फिर डाइवर्जिंग नेचर के बारे में पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्केव मिरर के में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे आ रही है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी, और फिर यदि इस डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो भी फोकस पे कन्वर्ज होगी। ये सारे पॉइंट्स एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं, इसलिए इस नेचर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। फिर डाइवर्जिंग में क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे आ रही है तो, और ये एक पॉइंट फोकस से डाइवर्ज होकर के चली जाती है, सारी पॉइंट्स सारे लाइट्स क्या होते हैं डाइवर्ज हो जाते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये प्रिंसिपल, ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है।